लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज रोगियों को होता है हाइपर ग्लाइसेमिक हाइप्रो स्मॉलर स्टेट का जोखिम। मैं इसके बारे में फुल डिटेल आपको बता रहा हूं, ये क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के समय में भारत सहित दुनिया भर के अन्य देशों में भी डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दरअसल लोगों की जीवन शैली में बदलाव इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। डायबिटीज़ के कारण लोगों को कई तरह की अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। यदि डायबिटीज़ को अनदेखा कर जीवन शैली और खान पान की आदत में बदलाव ना किया गया तो ये अन्य गंभीर जोखिम की एक बड़ी वजह बन सकते हैं। इसमें हाइपरग्लाइसेमिक हाइप्रोस्मॉलर स्टेट को भी शामिल किया जा सकता है। इस स्थिति में मरीज को जान का जोखिम हो सकता है। ये समस्या मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज के रोगियों को परेशान कर सकती है। HHS तब होता है जब मरीज के रक्त में ग्लूकोज का स्तर लंबे समय तक बहुत अधिक रहता है। इसकी वजह से व्यक्ति को डिहाइड्रेशन और भ्रम की स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। डायबिटीज में व्यक्ति को हाइपरग्लाइसेमिक हाइप्रोस्मॉलर स्टेट होने के क्या कारण होते हैं और इस समस्या का इलाज कैसे किया जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले आप जानें हाइपरग्लाइसेमिक हाइप्रोस्मॉलर स्टेट कब होता है। हाइपरग्लाइसेमिक हाइप्रोस्मॉलर स्टेट व्यक्ति को तब होता है जब उसके शरीर पर ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए इसकी वजह से रोगी को डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके अलावा HHS में इंसुलिन की कमी भी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति का शरीर केटोन्स के उत्पादन को रोकने के लिए पर्याप्त इंसुलिन बना सकता है। इस दौरान व्यक्ति को इन्फेक्शन होने का जोखिम भी अधिक होता है। हाइपरग्लाइसेमिक हाइप्रोस्मॉलर स्टेट का क्या कारण है। ब्लड शुगर बढ़ने पर व्यक्ति को हाइप्रोस्मॉलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट हो सकता है। इसमें मरीज की मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन यदि आप डायबिटीज को मैनेज करते हैं तो इससे HHS के जोखिम को कम किया जा सकता है। कुछ कारक इस समस्या को ट्रिगर कर सकते हैं। पहला है इन्फेक्शन। HHS के करीब 60% मामलों में इन्फेक्शन मुख्य कारण माना जाता है। निमोनिया, UTI और सेप्सिस को इसमें शामिल किया जा सकता है। डायबिटीज की दवाएं ना लेना। यदि आप डायबिटीज की दवाओं का सेवन बंद कर देते हैं तो इससे शुगर लेवल बढ़ सकता है और HHS की वजह बन सकता है। डायबिटीज की दवाएं व कुछ असामान्य न्यूरोलेप्टिक्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकता है, जिससे HHS हो सकता है। हृदय संबंधी समस्याएं। हृदय संबंधी रोग जैसे स्ट्रोक व हार्ट अटैक शरीर के स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज कर सकता है। इससे HHS होने का जोखिम बढ़ जाता है। हाइपरग्लाइसेमिक हाइप्रोस्मोलर स्टेट का इलाज। HHS के इलाज में डॉक्टर मरीज को नसों के माध्यम से दवाएं दे सकते हैं। इसके इलाज में जो ऊपर मैंने आपको उपाय बताए हैं उनको शामिल किया जा सकता है। डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए तरल पदार्थ दिए जाते हैं। शरीर के मिनरल्स को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम दिए जा सकते हैं। इंसुलिन से ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही इन्फेक्शन का इलाज भी किया जा सकता है। इस दौरान व्यक्ति को 24 घंटे तक इलाज के लिए अस्पताल में रुकना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति आए कब
आप जब केयर नहीं करेंगे तो स्थिति आने वाली है, तो ऐसी स्थिति के लिए ना आए उसके लिए आपको करना होगा मॉर्निंग वॉक, सही तरह से खाना खाना, टाइम पे खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, योगा करना है, वॉक करना है, दवाई टाइम पे लेना है। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।